मध्य प्रदेश के मुरैना में शादी समारोह में फायरिंग, दूल्हे को लगी गोली, गंभीर हालत में आगरा रेफर। फलदान के दौरान अंधाधुन फायरिंग कर रहे थे बराती पक्ष के लोग, पंडित समेत घायल हुए चार लोग, दूल्हे की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नवजात बच्चों की खरीद फरोख के धंधे का खुलासा, दो मासूम बरामद, अस्पताल मैनेजर गिरफ्तार। ग्वालियर में मुंबई की एक महिला अकाउंटेंट ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, सुसाइड नोट में दो महिलाओं पर समलैंगिक होने का दबाव बनाने का आरोप। भोपाल में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, महिलाओं के खिलाफ अपराध न रुकने पर सीएम को चुमिया भेंट करने की कोशिश नाकाम। पटना के बाढ़ में सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने सुरेश ठाकुर को जरूरी काम के बहाने बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। बिहार के छपरा कोर्ट परिसर में धमाका, एक महिला पर बैग में बम लाने का शक, पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार। सासाराम पुलिस ने अवैध खनन पर कसा शिकंजा, ढाई गए 40 से ज्यादा स्टोन क्रशर मिल। बिहार के खगड़िया पुलिस ने शराबबंदी के बीच 20 लाख की देसी और विदेशी शराब बरामद की, दो लोग गिरफ्तार। बिहार नेपाल की खुली सीमा होने की वजह से शराब पीकर भारत लौटने वाले लोगों से परेशान पुलिस, चेक पोस्ट पर बढ़ेगी सुरक्षा। परिवहन मंत्री गोपाल राय के फूल देने पर भी नहीं माने बीजेपी सांसद विजय गोयल, ऑड नंबर की गाड़ी लेकर सेंस और इंश्योरेंस न होने पर कटा डबल चलान। ऑटो टैक्सी हड़ताल खत्म होने के बावजूद ऑड इवन का पहला सोमवार लाया संकट, बसों में भारी भीड़, सड़कों पर लोग हुए परेशान। स्कूल खुले रहने के दौरान ऑड इवन ने पेरेंट्स की बढ़ाई मुसीबत, बच्चों को स्कूल छोड़ने पहुंचे पेरेंट्स वापसी के दौरान परेशान। दिल्ली में तंबाकू पर बैन के बावजूद जमीन पर नहीं दिखा असर, स्कूल और अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में बिक रहा है तंबाकू। सुलझ गई दिल्ली के धौला कुआं में 75 लाख लूट की गुत्थी, फर्जी कहानी बनाकर कर्मचारी नहीं उड़ाए थे पैसे। दिल्ली में अभिभावकों ने उठाया डीपे स्कूल की बड़ी फीस का मुद्दा, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन। पूर्वोत्तर के छात्रों को केंद्र का तोहफा, जेएनयू में जल्द बनाए जाएंगे दो हॉस्टल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का ऐलान। दिल्ली के आकाशवाणी भवन के पास पोस्टल विभाग की गाड़ी में जबरदस्त आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। दिल्ली में शादी के जश्न में हुई गोलीबारी में घायल लड़की की हालत नाजुक, सिर में लगी गोली। उत्तर प्रदेश के बस्ती में नरकंकालों का जखीरा मिलने से सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। कानपुर के स्कूल में बम की खबर से हड़कंप, प्रशासन ने स्कूल खाली कराया, जांच में कॉल निकला फेक। यूपी के रामपुर में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, पुलिस के मुताबिक मानसिक रोगी है आरोपी पति। मथुरा में चलती टवेरा कार में आग से अफरा तफरी, गाड़ी से कूदकर ड्राइवर ने बचाई जान। यूपी के शाहजहांपुर में सड़क हादसा, ट्रक पलटने से चार लोगों की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क पर घंटों लगाया जाम। यूपी के बिजनौर में नाली में बहाई गई 1530 बोतल शराब, अदालत के आदेश पर आबकारी विभाग ने की कार्रवाई। बिजनौर के रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ कुएं में गिरा, देखने के लिए पेड़ों तक चढ़े तमाशबीन, कुएं झांकने पर दो लोगों को किया घायल। तपते सूरज से यूपी में भी बड़ा जल संकट, हरदोई में घटा जल स्तर, तमाम नहरों में पानी आना बंद। यूपी के हमीरपुर में सूखे से परेशान जनता का अंधविश्वास पर टिका भरोसा, बारिश के लिए देवी मां को खुश करने के लिए जिस्म को सरिये से छेदा। यूपी में हाथरस की सब्जी मंडी में भीषण आग, जलकर खाक हुई दर्जनों दुकानें, लाखों के नुकसान की आशंका। लखीमपुर खीरी में नहर किनारे जली हालत में मिला शव, अभी नहीं हुई शिनाख्त। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में बढ़ती जा रही है बिल्डरों की मनमानी, फ्लैट खरीदारों ने गौर सन्स पर लगाए धमकी के आरोप। मैनपुरी पहुंचे मुलायम सिंह यादव ने श्रीदेवी मेला और ग्राम सुधार प्रदर्शन में की शिरकत, जनता को गिनाई अखिलेश सरकार की उपलब्धियां। यूपी में समाजवादी पार्टी की विधानसभा प्रत्याशी हेमलता दिवाकर बीजेपी में शामिल, एसपी ने हेमलता को दिया था आगरा ग्रामीण से टिकट। यूपी के फरुखाबाद में स्वच्छता अभियान पर प्रशासन की पैनी नजर, डीएम ने की शौचालय की चेकिंग, गांव वालों को बताया टॉयलेट का महत्व। गर्मी की शुरुआत में ही कानपुर में सूखी गंगा की कई घाट, प्रशासन की उड़ी नींद, गंगा से होती है शहर को 80% पानी की सप्लाई। राजस्थान के प्रतापगढ़ में अफीम तस्कर गिरफ्तार, 40 किलो अफीम चूरा बरामद। भरतपुर में ब्रज विश्वविद्यालय के वीसी के खिलाफ एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, वीसी पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। वसुंधरा सरकार के मंत्री नंदलाल मीणा पर पानी समस्या निपटारे का भार, सीएम वसुंधरा ने दिया निर्देश। सूखा प्रभावित राजस्थान के 33 में से 18 जिले, करीब 17,000 गांव में भारी किल्लत, भीलवाड़ा में ट्रेन से भेजा जा रहा है पानी। भारत में लॉन्ग टर्म वीजा पर रहे पाकिस्तानी हिंदुओं पर मोदी सरकार मेहरबान, जोधपुर में पाक से आए हिंदू परिवारों में जगी उम्मीद।
अलवर के भिवाड़ी में नौकरी जाने के विरोध में फैक्ट्री मजदूरों का जबरदस्त प्रदर्शन, पुलिस ने 500 मजदूरों को हिरासत में लिया। राजस्थान के उदयपुर में साली से एकतरफा प्यार के चक्कर में साड़ू की हत्या, पुलिस से दर्ज किया मुकदमा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बीकानेर को दिया फिलिस्तीनी खजूर का तोहफा, बीकानेर के इलाके में उगाए जाएंगे फिलिस्तीन से मिले 144 खजूर के पेड़। राजस्थान के माउंट आबू में दो भालू के बच्चे कुएं में डूबे, पेड़ से फिसल कर कुएं में गिरे थे भालू के बच्चे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में चेन स्नैचिंग का विरोध करने पर एक शख्स को अपराधियों ने मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी। भीषण अकाल से जूझ रहे लातूर के दौरे पर मंत्री पंकजा मुंडे की सेल्फी से मचा सियासी घमासान, कांग्रेस शिवसेना ने की आलोचना। सांगली में लातूर को पानी भेजने वाली पाइपलाइन का काम पूरा, कुल 25 वैगन पानी लेकर रवाना होगी ट्रेन। मुंबई में कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग, एसी के चलते हादसे की आशंका। मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग तेज रफ्तार में टाटा सुमो ने आई 20 को मारी टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, चार लोग घायल। मुंबई के नाला सफारा में ज्वेलरी की दुकान से करीब 1.5 करोड़ की लूट, बंदूक की नोक पर 5 नकाबपोशों ने वारदात को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी ने करवाया सामूहिक विवाह का आयोजन, 550 जोड़ों ने एक साथ रचाई शादी। मुरथल गैंगरेप के चश्मदीद बॉबी जोशी पर करनाल में के घरौंदा में हमला, दो अज्ञात लोगों पर आरोप, एसआईटी से की लिखित शिकायत। कुरुक्षेत्र में बड़े स्तर पर सफाई मिशन का आगाज, 4 चरणों में सफाई का रखा लक्ष्य। सोनीपत में दिल दहला देने वाली वारदात, घर में घुसकर लड़की पर धारदार हथियार से हमला, पीड़ित की हालत नाजुक। लुधियाना में ज्वेलरी दुकान में लूटपाट, ज्वेलर्स की आंख में मिर्ची झोंक कर वारदात को अंजाम दिया, सीसीटीवी में कैद। छत्तीसगढ़ के कांकेर में लैंडमाइन बिछाते वक्त हुए विस्फोट में 3 नक्सलियों की मौके पर ही मौत, रास्ते से गुजरने वाली थी सीआरपीएफ की टुकड़ी। सुकमा के चिंता गुफा इलाके में प्रेशर बम की चपेट में आने से 3 जवान बुरी तरह घायल, 2 की हालत गंभीर। अंबिकापुर के गांव में जंगली हाथियों का कहर, खेत में काम कर रहे किसानों को रौंदा। बैकुंठपुर में बहू से लोहे की रॉड से सास की हत्या, पुलिस ने के सामने माना गुनाह। राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ से बाहरी नेताओं का नाम सामने आने से खलबली, कांग्रेस और बीजेपी दोनों खेमों में बाहरी नेताओं को राज्यसभा भेजने की तैयारी। मेहसाणा में पाटीदारों ने चलाया जेल भरो आंदोलन, हार्दिक पटेल की रिहाई को लेकर पुलिस के खिलाफ जमकर काटे बवाल। मेहसाणा में पाटीदार आंदोलनकारियों ने गुजरात के गृह मंत्री की खाली पड़ी संपत्ति आग के हवाले की, पुलिस जांच में जुटी। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की बारात में फायरिंग पर गुजरात के डीजीपी का विवादित बयान, कहा यूपी की शादियों में चलती है 100-100 राउंड गोलियां। सूरत में एक युवक ने जहर खाकर की खुदकुशी, मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। वडोदरा की शाहिना सिकंदर गांधी की अनोखी कला को मिली पहचान, पत्थरों की कलाकारी से गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ नाम। झारखंड के खूंटी में छठी कक्षा की छात्र की रहस्यमय मौत पर हंगामा, हॉस्टल के फंदे से लटका मिला यह था शव। गढ़वा पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल, नक्सली कमांडर भानु खरवार के खस्ता हाल परिजनों की आर्थिक और जरूरी सामान देकर की मदद। देवघर में भीषण गर्मी के बाद अब टूटी प्रशासन की नींद, सूखे तालाबों के जीर्णोद्धार की योजना पर अमल। झारखंड के जामताड़ा में ग्रामीणों ने महिलाओं और युवक को 4 घंटे तक बनाया बंधक, अवैध संबंधों का लगाया आरोप। रांची के 25 गांवों के सैकड़ों लोगों का जल सत्याग्रह, पतरातु डैम के निर्माण के लिए 6600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण का विरोध। जम्मू के राजौरी में बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत, 5 गाड़ियों को किया आग के हवाले। अंदवाड़ा और कुपवाड़ा में फिर भड़का लोगों का विरोध, सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ घंटों के लिए सुरक्षा इंतजाम में दी थी छूट। पांच दिनों बाद श्रीनगर में पटरी पर लौटी जिंदगी, इंटरनेट सेवाएं बहाल, स्कूल कॉलेज और दफ्तर भी खुले। झारखंड के जमशेदपुर में नर्सिंग की छात्रा की खुदकुशी, हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर दी जान, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। त्रिपुरा की दीपा हल्दर ने रचा इतिहास, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला जिमनास्ट।
केंद्र सरकार ने दी दलील, कोहिनूर हीरा लूटकर ब्रिटेन नहीं ले जाया गया। राजा दिलीप सिंह ने हरजाने के तौर पर दिया था अंग्रेजों को। ओडिशा के देवगढ़ में 300 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 27 लोगों की हुई मौत। बस में महिलाओं बच्चों समेत 440 ओपेरा कलाकार सवार। हैदराबाद में 5 मंजिला गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में रखे थे प्लास्टिक का सामान। कोलम हादसे से नहीं लिया गया सबक, केरल के त्रिचूर महोत्सव में हुई जबरदस्त आतिशबाजी। कोलम हादसे पर केंद्र से सहयोग मांगेगी केरल सरकार, पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 117 करोड़ की दरकार। 10 अप्रैल को पुटिंगल मंदिर में आग में लगी 114 लोगों की जान। कर्नाटक के बेलागवी में चमत्कारी हुआ, सूखा पड़ने पर भी देशनूर गांव में बने इस कुएं में कभी नहीं सूखता पानी। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने सिद्धि विनायक मंदिर में गणपति के किए दर्शन, अनंत ने हाल ही में कम किया है 70 किलो वजन। बाबा भैरन का ऋषिकेश में निधन, भक्तों का दावा, पहले से बता रखी थी मौत की तारीख। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे कि रहे सहपाठी। ओडिशा के सिमलीपाल में शुरू हुआ बाघों की गिनती का काम, इस महीने के आखिर तक सैलानियों की एंट्री पर रहेगी पाबंदी। अल्मोड़ा के उत्तराखंड के अल्मोड़ा के स्कूल में घुसा तेंदुआ, पालतू कुत्ते डॉबरमैन को मारकर खाते, वीडियो सीसीटीवी में कैद। इम्फाल में मनाया गया थिग्यान वाटर फेस्टिवल, गीत संगीत के साथ पानी के बुआरों में भीग कर लोगों ने की मौज मस्ती। पहले से बेहतर है दिलीप कुमार की तबीयत, फैंस को किया शुक्रिया। सांस की बीमारी के बाद 16 अप्रैल को लीलावती अस्पताल में हुए थे भर्ती। त्रिपुरा में ठप रहा आम जनजीवन, पूर्व स्पीकर की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने बुलाया धावन। कांग्रेस ने भी केजरीवाल के फॉर्मूले को अपनाया, नगर निगम चुनाव में सभी 13 सीटों के लिए 13 अलग अलग घोषणा पत्र लाने की तैयारी। अच्छे मानसून के अनुमान से देश में घटेगी महंगाई, विकास दर में भी बढ़ोतरी की उम्मीद, एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट से उम्मीद। उत्तर प्रदेश के मथुरा में दलित लड़की की शादी में दबंगों का हमला, पथराव और फायरिंग में बाराती घायल, पुलिस की मौजूदगी में पड़े फेरे। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की पदयात्रा, ममता को देखने उमड़ी भीड़। बेगूसराय में जागरूक युवाओं की सराहनीय पहल, हर रविवार को पर्यावरण सुरक्षा संदेश देने के लिए साइकिल से करते हैं भ्रमण। हैदराबाद के एक युवक की लंदन में रहस्यमयी मौत, एमबीए कर रहा था 34 साल का मीर बाकर अली रिज़वी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सफाई अभियान की शुरुआत, संतों के अलावा 10,000 स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। गुजरात के महसाणा में पाटीदार समाज की जेल भरू आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। महसाणा के डीएम ने जिले में इंटरनेट सेवा पर भी 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगाया।